हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होगे, खुशखुशहाल होगे। मैं हूँ रीटा पारे, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं टिप और ट्रिक्स के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखना, तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे केक बनती है। और एक एक में आज आपको गैस पर कढ़ाई में बनाने सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, केक का सामग्री देखते हैं। मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 कप ऑयल, सनफ्लावर ऑयल लिया है, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1/2 कप मिल्क, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर और सोडा लिया है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक कुकर का टिन लिया है। सबके पास ये टिन नहीं होते, इसलिए मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास ये टिन नहीं है तो आप कुकर का टिन भी ले सकते हैं। पहले मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ। ऑयल आपको अच्छी तरह से लगाना है। चारों तरफ ऑयल लगा देना है और आपको सभी चीज बेकिंग की रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। फ्रिज में से निकालकर तुरंत केक नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, जब भी केक बनाना है तो सभी आइटम पहले फ्रिज में से निकाल लीजिए और रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। बाद में आप बेकिंग के आइटम बनाएंगे तो आपकी बेकिंग के आइटम सभी अच्छी बनेगी। ये ग्रीस हो गया है, अभी मैं मैदा स्प्रिंकल करूंगी। मैदा को आप अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेना है, ऐसा इसी तरह से आपको डस्ट करना है मैदा को। अभी इसको मैं साइड पर ले लेती हूँ। अभी मैं केक का बैटर रेडी करती हूँ। ये मैंने 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल लिया है। आपको सनफ्लावर ऑयल लेना है, मूंगफली का ऑयल नहीं लेना है। अगर आप बटर ले रहे हैं तो भी चलेगा। ये 1/2 कप मैंने लिया है। और 3/4 कप मैंने चीनी पाउडर लिया है। आप चीनी पाउडर के साथ कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से इसको बीट कर लोगे। आपको क्या है, एक ही डायरेक्शन में इसको बीट करना है, तो ये आपकी केक फूलेगी। कोई कोई लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम एक एक मुझे फूलती नहीं है, बीच में से बैठ जाती है, तो इसका रीजन क्या है? तो आपको क्या है कि जब आप केक रखते हैं तो बार बार खोल के देखते हैं, तो इसमें क्या है कि केक बीच में से बैठ जाती है। अगर वो आप केक जब बैटर बनाते हैं तो इसका बैटर ज्यादा पतला कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी केक बैठ जाती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए आपको। आपको जब केक बनते हैं तब इसको 15-20 मिनट के बाद देख सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद देखेंगे कि मेरी केक फूली है कि नहीं, तो वो बीच में से बैठ जाएगी। अभी मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लूंगी। आपको जब बेकिंग पाउडर लेना है तो ये भर के नहीं लेना है, आपको ऐसा कट करके लेना है। जो ये भर के लेगा तो बेकिंग पाउडर ज्यादा हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसको भी ऐसा ही करके लेना है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं बना रही हूँ वेनिला स्पॉन्ज केक। ये मैं बेसिक केक बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अभी मैं पहले थोड़ा दूध ऐड करूंगी। दूध आपने ऑयल लिया है तो दूध का मात्रा कम हो जाएगी, और बटर लिया है तो दूध की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। आश्रे 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून दूध चाहेगा ये केक में।
और अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूंगी। आपको एक साथ में मैदा ऐड नहीं करना है, बैटर में गट्ठा हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे से ही मैदा को ऐड करना है। अगर आप ऑल पर्पस फ्लोर ले रहे हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर आता है, तो आप बेकिंग पाउडर नहीं डालना। ऑल पर्पस फ्लोर ले रहे हैं तो, मैदा ले रहे हैं तो आपको बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा। और मैदा को भी आपको पूरा कप भर के नहीं लेना है, कट करके ही लेना है, जैसे मैंने बताया कि बेकिंग पाउडर कट करके लेना है ऐसी तरह। अभी थोड़ा दूध ऐड करोगी। आप 2 टेबलस्पून दही भी ले सकते हैं। अभी बाकी मैदा जो बचा है वो मैं भी ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से फेंट लोगी। अब मैं लूंगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अभी मैं वेनिला एसेंस को मिक्स कर लूंगी और कट और फोल्ड की मेथड से इसको मिक्स करूंगी। आपको रिबन टाइप का बैटर रखना है। बैटर बनके रेडी हो गए हैं। अभी मैं इसको बेक टिन में ले लेती हूँ। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका केक अच्छी बनेगी। अभी मैं टेप कर लेती हूँ तो इसमें से हवा निकल जाएगी, बबल्स। कढ़ाई प्री हीट हो गई है। आपको मैं बताती हूँ कि गैस की फ्लेम कितना रखनी है। आपको गैस की फ्लेम स्लो मीडियम हीट ही रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। और मैंने कढ़ाई ठीक लिया है इसलिए मैंने रिंग रखा है। आपकी कढ़ाई पतली है तो आप कढ़ाई में नमक और रिंग दोनों रख कर केक का टिन रख सकते हैं। एक कढ़ाई में मैं अभी केक का टिन रख देती हूँ और इसको 35 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रखूंगी। आप जो माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 30 मिनट और ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 20-25 मिनट रखना है। अभी मैंने केक को रख दिया है, अभी मैं मिलती हूँ आपको 30 मिनट के बाद। चलिए देख लेते हैं 30 मिनट हो चुकी है, केक बन गई है कि नहीं। मैं स्टिक डाल के देखती हूँ। देखा फ्रेंड्स, केक बन के रेडी हो गई है, स्टिक कितनी साफ आ गई है। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा कर लेती हूँ। केक देखा ने, केक बन के रेडी हो गई है। केक ने साइड छोड़ दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि केक बन के रेडी हो गई है। अभी मैं इसको अनमोल्ड करती हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैं इसको कट करती हूँ। देखा फ्रेंड्स, कितनी स्पॉन्जी बनी है केक।
देखा, आप देख सकते हैं। तो वेनिला केक बनके रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक देना, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।